दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर का सोमवार को शुभारंभ हुआ। विशेष शिविर के माध्यम से मलिन बस्तियों की साफ सफाई करके लोगों को विभिन्न तरह की योजनाओं, साफ सफाई और जागरूकता संबंधी विशेष जानकारी राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं द्वारा दिया जाएगा। इस अवसर पर गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुष्मिता उपाध्याय, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रत्या उपाध्याय, डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, दिवंती मिश्रा सहित महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह ने कहा, हमें दे दो शक्ति का ज्ञान, धन भाग्य हमारे आज अतिथि प्रांगण में आए हैं, प्रांगण में आए हैं दर्शन। के राष्ट्रीय सेवा योजना के इस सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन के अवसर पर इस मलिन बस्ती में मंच पर उपस्थित कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुष्मिता जी, मंच पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम अधिकारीगण, मीडिया से आए हुए प्यारे दोस्तों, प्यारे संघ सेविकाएं, प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार की युवा एवं खेल मंत्रालय की एक योजना है, जिसके अंतर्गत हम अपने छात्र छात्राओं को, स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के द्वारा उनके व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें हम प्रेरित करते हैं। एक ऐसे युवा का हम निर्माण करते हैं जो नॉट मी बट यू के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के लिए कुछ कर सकता है, यही मेरा उद्देश्य होता है। और हमारे महाविद्यालय की समस्त छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हैं, बच्चों, ये एक औपचारिकता है कि हम लोग सात दिन का एक शिविर आयोजित करते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत। लेकिन आप और हम सभी ये जानते हैं बच्चों, समूह में सबका समायोजन बड़ा टफ होता है ना, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी ये बात है कि समायोजन जो आज के किशोरावस्था की मुख्य मांग होती है, आपको ये पता है कि ये डिमांड हो गई है। हम सभी अपने घरों में दूर बैठे रिलेटिव से व्हाट्सएप पर बात कर लेते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे रह रहे अपने भाई बहनों से, अपने परिवार के बुजुर्गों से, अपने ही लोगों से दूर होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये केवल और केवल हमारी अधीरता और हमारा असमायोजन है। तो सात दिन आप इस शिविर में रहेंगे, तमाम सारे आपके कार्यक्रम होंगे, जिसमें से मुख्य रहेगा कि आप इस मलिन बस्ती में लोगों के घरों में जाएं, उनको विभिन्न चीजों के प्रति, जैसे स्वच्छता, साक्षरता, बेटियों बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो चलाया जा रहा था, उसके तहत उनको तरह तरह से जागरूक करें। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबद्ध गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय विशेष शिविर का आज उद्घाटन सत्र था। इस मलिन बस्ती में इनके द्वारा यहाँ बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान,
पर्यावरण जागरूकता अभियान के साथ साथ स्वच्छता ही सेवा है या स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत ये लोग यहाँ साफ़ सफाई के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। अन्न का दुरुपयोग न किया जाए इसके लिए भी लोगों को ये लोग उपयोग कर जागरूक करेंगे तथा और भी बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों के प्रति लोगों को यहाँ कार्य करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना चूँकि बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के द्वारा व्यक्तित्व विकास का साधन है, यहाँ पर बच्चों को समाज से जोड़ने की शिक्षा दी जाती है तथा बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से इनको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि यह समाज के लिए क्या कर सकते हैं। चूँकि NSS का सिद्धांत वाक्य है नॉट मी बट यू, हम सदैव दूसरे के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। इसी भावना के साथ हमारे ये राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेविकाएँ इस मलिन बस्ती में कार्य करेंगी।